दोस्तों पिछले लेसन के अंदर हम लोगों ने फोटोशॉप में लेयर्स की अलाइनमेंट करना सीखी थी हमने देखा था कि हम डिफरेंट लेयर्स को चाहे वो टेक्स्ट के साथ हों या डिफरेंट शेप्स उनके अंदर हों हम लेयर्स को किस तरह से अलाइन कर सकते हैं इस लेसन के अंदर दोस्तों मैं आप लोगों को लेयर्स के हवाले से ही एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने लगा हूँ मैं आप लोगों को इस लेसन में बताने लगा हूँ फिल लेयर्स के बारे में दोस्तों आप लोगों को मालूम है कि फोटोशॉप में लेयर्स की कई अकसाम मौजूद होती हैं जैसे कि हम लोग जब कभी फोटोशॉप में कोई लेयर नई लेते हैं और उसके अंदर कोई इमेज लेके आते हैं तो वो इमेज लेयर बन जाती है इसके अलावा जैसे ही हम फोटोशॉप पे टी प्रेस करते हैं या हम टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं तो एक नई लेयर बन जाती है जो कि टेक्स्ट लेयर होती है इसी तरह से जब हमने फ़ोटो एडिटिंग जो है उसके अंदर एडजस्टमेंट लेयर्स स्टडी की थी तो हमने देखा था कि एडजस्टमेंट लेयर्स भी फ़ोटोशॉप में हमारे बहुत ज़्यादा काम आती हैं दोस्तों इसी तरह हमारे पास फ़ोटोशॉप में फिल लेयर्स मौजूद होती हैं ये वो लेयर्स हैं जिनकी मदद से हम बड़े आराम से कोई भी सॉलिड कलर या ग्रेडियंट या टेक्सचर ऐड कर सकते हैं अपने किसी भी डिज़ाइन के अंदर और बहुत ही आराम से उसको एडिट भी कर सकते हैं तो चलें दोस्तों चलते हैं फोटोशॉप की तरफ और स्टडी करते हैं फिल दोस्तों आप लोगों को फिलर समझाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट फोटोशॉप साइज़ का कैनवास जो है ये चूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे मेरे पास एक डिफ़ॉल्ट लेयर जो है ये मौजूद है इसको मैं जो है वो रीनेम करता हूँ ये तो आप लोगों को अच्छे तरीके से मालूम है कि ये आप लोगों की लेयर पैनल है जहां पे आपकी लेयर्स जो हैं वो तमाम किस्म की आपके पास मौजूद होती हैं। बिल्कुल वहीं से जहां से हम एडजस्टमेंट लेयर्स लिया करते थे बिल्कुल उसी आइकॉन पे यहां पे लेयर पैनल के बॉटम में अगर हम क्लिक करें तो यहाँ पे हमारे पास तीन ऑप्शंस आ रही हैं सबसे टॉप के ऊपर सबसे पहली ऑप्शन है सॉलिड कलर उसके बाद ग्रेडियंट और उसके बाद पैटर्न तो चले देखते हैं सबसे पहले सॉलिड कलर के हवाले से जैसे ही मैं यहाँ पे सॉलिड कलर जो है इसको चूज करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास कलर पिकर जो है वो आ जाता है फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे रेड चूज करता हूँ और ओके okay क्लिक करता हूँ यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कलर फिल वन ये आपके पास कलर फिल गई है अच्छा अब इस लेयर का यहाँ पे आपको फायदा क्या है दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बताता चलूँ अंदर चूज करते हैं और जो फिल लेयर लेते हैं इन दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि एक तो ये वाली जो फिल लेयर होती है ये किसी भी वक्त एडिट की जा सकती है बहुत आसानी के साथ ये एडिटेबल होती है और दूसरी इसकी खूबी ये है कि इसके अंदर हमें बाय डिफॉल्ट एक मास्क की ऑप्शन मिलती है यानी कि मास्क इस पर बाय डिफॉल्ट लगा होता है हम जब भी चाहें उस मास्क की ऑप्शन को यूज कर सकते हैं ये आप देख सकते हैं ये आपके पास मास्क की ऑप्शन मौजूद है और ये आपके पास जो है वो कलर जो है वो आइकॉन में नजर आ रहा है दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताऊं यहाँ पे इस जगह पे अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि आपके पास कलर पिकर जो है ये ओपन हो गया यानी कि जो कलर का डायलॉग बॉक्स है ये ओपन हो गया दैट मीनस आप किसी भी वक्त यहाँ से आके कोई सा भी कलर चूज कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं और आप इसको जो है वो बड़े आराम से अपने लिहाज से एडजस्ट कर सकते हैं देखें डिफरेंट दो तीन कलर्स मैंने अपनी मर्जी के यहाँ से चूज किए अच्छा इसके अलावा यहाँ पे मैं आपको ये भी बताऊं कि फॉर एग्जाम्पल मैं ब्रश लेता हूँ यहाँ से जनाब अली मैं एक सॉफ्ट ब्रश जो है ये चूज कर रहा हूँ और ओपेसिटी फिलहाल मैंने 100 परसेंट रखी हुई है यहाँ पे मैंने ध्यान रखना है कि मेरा जो फोरग्राउंड कलर है वो ब्लैक होगा और बैकग्राउंड कलर वाइट होगा अब अगर यहाँ पे मैं अपने माउस को ड्रैग करता हूँ तो ये देखें ये क्या हो रहा है जी ये मास्क अप्लाई हो रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मास्क वाला आइकॉन है उसके ऊपर आपको जहाँ पे मास्क लगा है वहां पे ब्लैक कलर जो है वो नजर आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि लेयर में हम किसी भी वक्त मास्क अप्लाई कर सकते हैं और इसके अलावा हम इसका कलर जो है वो किसी भी वक्त एडिट कर सकते हैं अगर आप इस मास्क को हटाना चाहें तो आप फोरग्राउंड में वाइट कलर चूज करें बैकग्राउंड में ब्लैक कलर चूज करें और फिर दोबारा से ब्रश को यहाँ पे आप फेरें तो क्या होगा कि आपका जो मास्क आपने लगाया था वो जाता रहेगा खत्म हो जाएगा और आपकी जो एक्चुअल सॉलिड कलर था वो वापस आ जाएगा अच्छा दोस्तों ये तो हो गया जी सॉलिड कलर की लेयर के हवाले से अब मैं आपको जो नेक्स्ट बताने वाला हूँ वो एक बड़ी मजे की चीज है वो ये कि हम सॉलिड लेयर ले सकते हैं ग्रेडियंट की दोस्तों हमें फिल लेयर की ऑप्शन मौजूद है ग्रेडियंट के साथ तो चले इसको देखते हैं फिलहाल मैं इस वाली लेयर को यहाँ से डिलीट कर रहा हूं मैं दोबारा यहाँ पे आऊंगा जहां पे मैं पहले गया था इसी ऑप्शन में आके ग्रेडियंट दोस्तों ये देखें जैसे ही मैं ग्रेडियंट पे आता हूँ तो ग्रेडियंट फिल के नाम से एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है यानी कि ये फिल लेयर बनेगी लेकिन बनेगी कौन सी ग्रेडियंट वाली यानी कि एक लेयर हमारे पास आ जाएगी जो कि फिल लेयर के तौर पे काम करेगी और उसमें ग्रेडियंट जो है वो पहले से लगा होगा यहाँ से जिस तरह से हम पहले भी देख चुके हैं ग्रेडियंट हम अप्लाई करते हैं बिल्कुल उसी तरह से हम यहाँ से क्लिक करके अपना ग्रेडियंट जो है उसको हम चेंज कर सकते हैं किसी भी किस्म का ग्रेडियंट हम यहाँ से जो है वो चूज़ कर सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं एक रेड और ग्रीन वाला ग्रेडियंट है जी ये ले लेता हूँ इसके अलावा यहाँ से आप डेफिनेटली जिस तरह से हमने पहले देखा था आप स्टाइल्स जो हैं वो चेंज कर सकते हैं लीनियर रेडियल एंगल वाला रेक्टेंग ये रिफ्लेक्टेड और इसके अलावा डायमंड ये तमाम ऑप्शन जो आम तौर पर ग्रेडियंट टूल में मौजूद होती हैं वो यहाँ पर भी मौजूद हैं मैं रेडियल पर आता हूँ अच्छा यहाँ से हम अगर रिवर्स क्लिक कर दें तो क्या होगा कि ये देखें कि जो हमारा ग्रेडियंट है इसमें कलर रिवर्स हो जाएगा यानी अगर रेड अंदर है ग्रीन बाहर की तरफ है तो मैं रिवर्स क्लिक करता हूँ तो ये देखें ग्रीन अंदर आ गया और रेड कलर जो है वो मेरे ग्रेडियंट में बाहर की तरफ चला गया तो ये भी हम अपनी ऑप्शन के तौर पर किसी भी वक्त यूज कर सकते हैं इसके अलावा हम यहाँ से इसका जो ग्रेडियंट का जो स्केल है उसको भी कम ज्यादा कर सकते हैं दोस्तों याद रखें जितना स्केल ज्यादा होगा उतना जो ग्रेडियंट है जो खास तौर पे जो अंदर वाला कलर है वो उतना ज्यादा फैला हुआ आपको फील होगा उसके अलावा यहाँ से हम जो है इसका एंगल भी चेंज कर सकते हैं जो कि हमें लीनियर ग्रेडियंट में बड़े आराम से हम देख सकते हैं तो इसको मैं ओके प्रेस कर रहा हूँ दोस्तों अगेन जिस तरह से हमारे पास फिल लेयर के अंदर मास्क की ऑप्शन मौजूद थी यहाँ पे हमारे पास ग्रेडियंट लेयर के ऊपर भी मास्क की ऑप्शन मौजूद है जैसे ही मैं ब्रश लूंगा और ब्लैक फोरग्राउंड कलर में रख के वाइट बैकग्राउंड कलर में रख के यहाँ पे जैसे ही मैं ड्रैग करूंगा यहाँ पे मैं अपना ब्रश फेरूंगा तो ये देखें मास्क अप्लाई होना शुरू हो जाएगा और अगर मैं इसको रिवर्स करूँ यानी कि वाइट कलर ऊपर फोरग्राउंड कलर में और ब्लैक जो है उसको बैकग्राउंड कलर में और अब अगर मैं यहाँ पे इसको जो है वो अप्लाई करूँ ब्रश को अप्लाई करूँ तो ये देखें मेरा जो मास्क था वो ख़त्म होता जा रहा है और मेरी जो ग्रेडियंट की फिल लेयर है ये पूरी मेरे पास उसी तरह से वापस आ गई है तो ये था दोस्तों हमारा ग्रेडियंट लेयर ये मैंने आपको बताया फिल लेयर में ग्रेडियंट अब एक और ऑप्शन मजे की हमारे पास यहाँ पे मौजूद है हम फिल लेयर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं पैटर्न की सूरत में तो चले उसको मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों ये देखें ग्रेडियंट वाली लेयर को मैं इस वक्त यहाँ पे डिलीट कर रहा हूँ और मैं दोबारा वापस यहीं पे आता हूं अगर आप लोगों को याद हो तो ये एडजस्टमेंट लेयर्स भी आप देख सकते हैं यहीं से इसी ऑप्शन से हमें मिलती हैं। और इसी तरह से हमने सॉलिड कलर देखा है ग्रेडियंट देखा है अब ये हमारे पास ऑप्शन है जी पैटर्न की ये देखें जी जैसे ही मैं पैटर्न पे क्लिक करता हूँ पैटर्न फिल के नाम से एक नया डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो गया जिसमें मेरे पास ऑप्शन है जी कि मैं अपने पैटर्न का जो स्केल है वो बढ़ा सकता हूँ छोटा कर सकता हूँ ये देखें ये इस वक्त फूलों का एक पैटर्न है जिसको अगर आप स्केल अप करते हैं तो आपको उसका जो एक्चुअल इंग्रेडिएंट्स हैं वो नजर आने शुरू हो जाते हैं इसी तरह से आप इसको किसी भी लेवल पे स्केल डाउन या स्केल अप करके अपने लिए रख सकते हैं यहाँ से दोस्तों आप डिफरेंट पैटर्न जो है उनको चूज कर सकते हैं ये मैंने एक डिफरेंट पैटर्न जो है ये चूज किया है ये देखें एक लीनियर सा पैटर्न है हमारे पास इसी तरह से ये कुछ और डिफरेंट लीनियर पैटर्न हैं कुछ ये हाफ टोन पैटर्न आ गए हैं जी हमारे पास अगर इसका मैं स्केल बनाऊँ तो ये देखें आपको बड़े बड़े डॉट्स नजर आएंगे तो इस तरह से यहाँ पे आपको डिफरेंट पैटर्नस की लेयर ये जो है ये यह आपको यहाँ पे मिल रही है अच्छा ये तो कुछ पैटर्न हैं जो कि हमें यहाँ पे पड़े हुए ऑलरेडी नजर आ रहे हैं बाई डिफॉल्ट इसके अलावा भी कुछ पैटर्न हैं यहाँ पे अगर इस ऑप्शन पे ये जो एक गोल दायरा सा बना हुआ है यहाँ पे अगर मैं आके क्लिक करूँ तो ये देखें ये नीचे ये काफी सारे पैटर्न हमारे पास पड़े हुए हैं जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ ये एक ऑप्शन मुझे दे देता है और ये डायलॉग बॉक्स में कह रहा है जी के रिप्लेस करन पैटर्न विद द पैटर्न फ्रॉम आर्टिस्ट सरफेसेस यानी के वो पूछ रहा है कि ये वाले जो पैटर्न्स पहले से मौजूद हैं इनको मैं रिप्लेस कर दूं या इनके अलावा एक्स्ट्रा ऐड करूं तो दोस्तों यहाँ पे ये बात याद रखिएगा अगर आप ओके कर देंगे तो ये जो नए वाले पैटर्न्स है वो ले आएगा और ये वाले पैटर्न्स खत्म कर देगा हमने ऐसा नहीं करना हम क्या करेंगे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे अपेंड पे जैसे ही हम अपेंड पे क्लिक करेंगे तो ये आप देखें कि आपके पास वो जो पहले ऊपर पैटर्न मौजूद थे वो भी मौजूद है और उसके अलावा नीचे कुछ नए पैटर्न जो है वो भी हमारे पास ओपन हो चुके हैं इसी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़े मज़े के जो पैटर्न्स हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं इनको आप जो है वो बड़ा छोटा करके किसी भी अपने डिज़ाइन के अंदर बड़े आराम से यूज कर सकते हैं एनिब anyway, जी इसको जैसे ही मैं ओके okay प्रेस करता हूँ तो ये देखें मेरी ये जो लेयर है ये आ गई है जिसपे लिखा हुआ आ रहा है पैटर्न फिल वन और बिल्कुल उसी तरह से जैसे सॉलिड कलर और ग्रेडिंग कलर की जो हमारे पास लेयर आई थी यहाँ पे क्लिक करें तो हम पैटर्न को चेंज कर सकते हैं पैटर्न को चेंज करने वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और अगर हम यहाँ पे आके बिल्कुल उसी तरह से ब्रश अप्लाई करें ब्लैक फोरग्राउंड में और वाइट बैकग्राउंड में लेके तो हमारा एक जो मास्क है वो अप्लाई होना शुरू हो जाएगा एंड सेम गोज एज इट वेंट अर्लियर के हम जैसे ही उसको रिवर्स uh, करते हैं ब्लैक को वाइट की जगह और वाइट को ब्लैक की जगह तो ये हमारा जो मास्क है ये जाना शुरू हो जाता है खत्म होना शुरू हो जाता है और ये देखें यहाँ पे आपको ये क्लियर हुआ हुआ नजर भी आ जाता है तो दोस्तों ये आप लोगों ने देखा कि फिल लेयर की मदद मतलब से हम लोग एक नई लेयर लेके उसको किसी भी वक्त एडिट कर सकते हैं किसी भी वक्त उसको चेंज कर सकते हैं और ये हमारे लिए फोटोशॉप में बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल चीज है